शुरू से ही पीरियड्स को लेकर समाज में शर्मिंदगी की भावना मौजूद रही है। हमारे भारतीय समाज में महावारी से संबंधित कई भ्रांतियां फैली हुई हैं जो महिलाओं को जोखिम में डाल देती हैं। कई समाजों और धर्मों में महावारी के दौरान स्त्री को अपवित्र यानी नापाक माना जाता है, उन्हें पूजा पाठ और नमाज से भी दूर रहना पड़ता है और कुछ लोग तो इसे बीमारी भी कहते हैं। इसी विषय को लेकर आज हम आपको ऐसी शख्सियत से रूबरू कराएंगे जो महिलाओं के लिए एक मसीहा बन रही हैं। DNN 24 देश के कोने कोने से आपके लिए लाता है इंसानियत की कहानी, हौसले की कहानी, रिवायत की कहानी, इंसानी रिश्तों की कहानी। ये कहानियाँ तोड़ती हैं उन नफरती दीवारों को जो बनती हैं जातिवाद से, भेदभाव से, और जोड़ती हैं लोगों के दिलों को एक दूसरे से। बैड वुमन नाम से मशहूर 31 वर्षीय इरफाना जरगर कश्मीर के श्रीनगर की रहने वाली हैं, जो महावारी, स्वास्थ्य और स्वच्छता के बारे में लोगों को जागरूक कर रही हैं। उनका मानना है कि वो पीरियड से संबंधित लोगों में जो गलत भावनाएं, विचार और कठोर रवैया है, वो उनके प्रति लड़ रही हैं। उन्होंने हर महीने श्रीनगर में लगभग 500 ज़रूरतमंद महिलाओं को सैनिटरी पैड बांटे और एक सप्लाई चेन बनाई। इसके बाद इरफाना का ध्यान पुरुषों को ये समझाने पर गया कि यहाँ के आदमियों को महीने के उन 5 दिनों के दौरान अपनी महिलाओं की देखभाल करने की ज़रूरत है। इरफाना बताती हैं कि मैं अपने जागरूकता कैंप में लोगों से कहती हूँ कि महिलाएं परिवार की देखभाल करने और बच्चा पैदा करने वाली मशीन नहीं हैं। उनके पीरियड्स के समय व्यवहार में बदलाव आना, जैसे मूड स्विंग होना, डिप्रेशन, पेट में दर्द, सूजन और पीरियड से पहले होने वाले दर्द से पीड़ित होती हैं। उनके पतियों को उस दौरान उनकी देखभाल करनी चाहिए। वो अपने इस अभियान का विस्तार करने में असमर्थ हैं क्योंकि उन्हें कोई बाहरी समर्थन नहीं मिल रहा है। वो अपने सैलरी के कुछ हिस्से का उपयोग करती हैं और वेतन का कुछ हिस्सा उन महिलाओं को डिस्पोजेबल सैनिटरी पैड देने में मदद करती हैं जो उसे खरीद नहीं पाती। इरफाना ने पता लगाया है कि किस तरह मासिक धर्म के दौरान साफ सफाई की कमी के कारण महिलाएं स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित रहती हैं और जागरूकता की कमी के कारण उन्हें इसके बारे में पता नहीं होता। अपने 9 साल के इस कैंपेन के दौरान उन्हें कई महिलाओं के बारे में पता चला जो वजाइनल इन्फेक्शंस, यूट्रस इन्फेक्शन और PCOD उन्हें पीरियड्स के समय अस्वच्छ तरीकों के कारण होता है। कश्मीर के दूर दराज इलाकों में अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने देखा कि वहाँ के लोगों में पीरियड स्वास्थ्य के बारे में कोई समझ और जागरूकता नहीं है। इरफाना का काम के प्रति उनके जुनून का पता इससे लगा सकते हैं कि श्रीनगर में उन महिलाओं की मदद करने के लिए मीलों पैदल चली जिनके पास सैनिटरी पैड तक पहुँच नहीं थी। इससे पहले वो श्रीनगर के कुछ 19 महिला शौचालयों में उन महिलाओं को स्टॉक करती थी जिन्हें अचानक पीरियड्स होने के बाद उनके पास पैड नहीं होते थे। लॉकडाउन के दौरान उन्हें सैनिटरी टॉवल के लिए कई महिलाओं और पुरुषों के फ़ोन आए। उन्होंने हर कॉल आने वाली महिला की मदद की और उनकी जगह जाकर उन्हें सामान दिया क्योंकि उस दौरान आने जाने के लिए साधन नहीं थे। वो अपने वेतन का एक हिस्सा श्रीनगर नगर निगम के कार्यालय में अपनी नौकरी के लिए उपयोग करती हैं, जहां वो जनता के लिए शिकायतों को दर्ज करने के लिए बनाई गई हेल्पलाइन को संभालती हैं। उन्होंने हाल ही में मध्य कश्मीर में चराए शरीफ में शेख नूरुद्दीन की दरगाह का दौरा किया। उन्होंने दरगाह में पुरुषों और महिलाओं के लिए एक जागरूकता कैंप आयोजित किया जहां उन्होंने सैनिटरी नैपकिन किट बांटी। हालांकि इरफाना ने एक अच्छे बदलाव को महसूस किया है। पुरुष अब इस विषय पर जागरूकता शिविरों में भाग लेने से नहीं भागते हैं। जब दरगाह में मैंने पुरुषों से बात की तो वो भागे नहीं और मुझसे कहा कि वो महीने के उन 5 दिनों में घर पर अपनी महिलाओं की देखभाल करेंगे। कश्मीरी महिलाओं के संपर्क में आने के कारण वो उनके जीवन में उथल पुथल के बारे में ज्यादा जागरूक हैं। इरफाना का कहना है कि कश्मीर में महिलाओं समेत युवाओं में ड्रग अब्यूज, डोमेस्टिक वायलेंस समाज के नए काले रहस्य के रूप में उभर रहे हैं, फिर भी कोई इसके बारे में बात नहीं करता। इरफाना ने अपने इस मिशन को अपने पिता को समर्पित किया है जिनका कम उम्र में ही निधन हो गया था। वो अपनी माँ के साथ श्रीनगर के डाउनटाउन क्षेत्र में नौशेहरा में रहती थी। उनके इस काम ने उन्हें कई पुरस्कार और प्रशंसाएं दिलाई। प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और एक्ट्रेस रवीना टंडन ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में इरफाना के काम का उल्लेख किया है। समाज की ऐसी खूबसूरत तस्वीरें ही देश की पहचान हैं, जो इंसानी रिश्तों को मजबूत करती हैं। DNN 24 देश की ऐसी खूबसूरत तस्वीरें आपके सामने लेकर आता रहा है, ऐसी तस्वीरें जो लोगों को जोड़ती हैं, क्योंकि ऐसी तस्वीरों से ही बनती हैं कहानियां हिंदुस्तान की।
जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।